इंदौर संभाग के विजयनगर थाना राखी लेकर पहुंची एक नन्ही बालिका और कहा, मैं पूरे स्टाफ को राखी बांधना चाहती हूं। इस पर टीआई तहजीब काजी ने कहा कि आप पुलिस को राखी क्यों बांधना चाहती है। इस पर बालिका ने जवाब दिया कि आप लोगों ने पूरे लॉकडाउन में जनता की हिफाजत की है, लोगों ने पत्थर भी बरसाए, अनर्गल बातें भी कही, इसलिए आपकी लंबी उम्र की कामना के लिए आपको राखी बांधना चाहती हूं। इस पर समस्त स्टाफ ने बच्ची से राखी बंधवाई। इंदौर से राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। सभी तो नहीं पर जितने पॉसिबल हो पाए सबको बांधी। किन किन थाना क्षेत्रों में बांटी बेटा बांधी? लसूदिया थाने में और विजयनगर। ये आपको ये जागृति कैसे पैदा हुई कि ऐसा करना चाहिए? वो ना मैंने न्यूज देखी थी जिसमें ना पीपल वर थ्रोइंग ना लॉट ऑफ रबिश ऑन पुलिस, तो ना मुझे लगा कि वो लोग हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं और हम उन पे ये सब फेंक रहे हैं। तो आई थॉट ऑन दिस रक्षाबंधन आई टाई राखी टू ऑल द पुलिस ऑफिसर्स पॉसिबल। ओके, बहुत ही अच्छा लगा हमें भी कि ये बच्ची आई और उससे जब हमने भी पूछा कि भाई अब तुम राखी क्यों बांधना चाहती हो पुलिस को, तो उसने बताया कोरोना काल में आप लोगों ने हमारी रक्षा की, बहुत अच्छा काम किया, तो ये धागा और भगवान महाकाल आपकी रक्षा करे, इसलिए हम आपको राखी बांधना चाहते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि बच्ची भी बहुत अच्छी रहे, बहुत उन्नति करे, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। मैं भी उसको वचन देता हूँ कि मैं उसका ऐसे भाई और एज पुलिस ऑफिसर हमेशा उसकी और जैसी उसकी भावना है समाज की, सोसाइटी की, समाज की, माता बहनों की, मातृशक्ति की हमेशा सेवा एवं सुरक्षा करता रहूँगा। और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो उन्होंने सोचा कि जो वो बहुत ही अच्छा लगा, उसकी बच्ची की इतनी अच्छी सोच है, आज सवेरे से उठते ही उसने बताया कि मैंने यही सोचा था उसे। और ये राखी इसलिए स्पेशल है कि एक बच्ची की भावना है कि इतनी अच्छी सोच है पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति, पुलिस के प्रति, के जहाँ उस पर कोरोना काल में कई लोगों ने जब उस पर वल्गर अनवांटेड चीज़ें हुई थी उस टाइम पर, वो चीज़ उसको ध्यान थी और इसलिए उसने पुलिस की सुरक्षा के हिसाब से और पुलिस की रक्षा के हिसाब से और पुलिस के हौसला बढ़ाने के लिए ये चीज़ सोची। ये बात तो सर बहुत अच्छी बात है सर, ये उस गुड़िया के दिमाग में ये बात आई कि पुलिस ने हमारा सहयोग किया है, साथ दिया है, हमारे साथ में अच्छा काम किया है, अच्छा व्यवहार रहा उनका पुलिस का, उसी के परिणाम स्वरूप उसको प्रेरणा हुई होगी। और उसने सबसे पहले टीआई साहब को जब राखी बांधी तो उसके यही शब्द थे कि आप लोगों ने हमारी रक्षा की है, बाबा महाकाल आपकी रक्षा करेंगे, इसी उद्देश्य से उनके दिमाग में आई तो उन्होंने रक्षाबंधन में सूत्र रक्षा सूत्र बांधा है। सभी लोगों को, मेरे को भी बांधा है, साहब को भी बांधा है और स्टाफ के लोगों को, शुक्ला जी को भी बांधा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सुबह से जब हम उठ के हमने सोचा कि चलो ठीक है आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्योंकि ड्यूटी के कारण व्यस्तता ज़्यादा थी, दिन भर हम लगे रहे। टीआई साहब भी सुबह 10 बजे 9 बजे से ही आके क्षेत्र में भ्रमण करने लगे थे, हम लोग भी आए, तो मैं कोर्ट का कार्य देखता हूँ यहाँ पे, तो कोर्ट से भी तमाम फोन आ रहे थे सुबह से, तो हम चले गए थे, अभी तक हमको राखी नहीं बंधी थी, तो अब सोचा था जाके, लेकिन जीजी आई, अच्छा लगा कि उन्होंने चौराहे पे ही आके हमको बिल्कुल बड़े सा सम्मान बोला, बोले आप लोग बहुत मदद करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, और इसके लिए उनको अंदर से विचार आया, तो उन्होंने सभी को बांधा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप एडवांस एकेडमी में पढ़ते हो, आप क्रिकेट भी खेलते हो, लेकिन आपका किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो, क्या आप पुलिस बनना पसंद करोगे? मुझे IFS बनना है। IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।